वेलकम टू speedearning.com। MCX कमोडिटी की ट्रेडिंग आप लोग सीख रहे हैं, वो सभी लोग फेमिलियर होते हैं वैसे, लॉट साइज उनको पता होता है, स्टॉप लॉस वगैरह को लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सभी लोगों की डिमांड थी कि हम इस पे थोड़ा और एलेबोरेट करके आपको उस चीज़ की आदत डालें। तो वहाँ जब 5 सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है, कैलकुलेशन आपकी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, तो ऐसा है कि लॉट साइज क्या है अलग अलग कमोडिटी की वो हम लोग देख लें, और क्या स्टॉप लॉस जनरली लेके चलेंगे तो सही काम कर पाएंगे। सिल्वर माइक्रो 1 kg होता है, सिल्वर मिनी 5 kg होता है। सिल्वर माइक्रो में आप 100 पॉइंट या मिनी हो तो 100 पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर माइक्रो है तो 100 रुपये का रिस्क है, अगर 3 माइक्रो करेंगे 300 रुपये का रिस्क होगा। अब इस स्टॉप लॉस को और कम ज़्यादा करने की गुंजाइश भी है, तो हम आपसे कहते हैं कि जितना छोटा स्टॉप लॉस आप किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अप्लाई कर सकें, और वो अगर दो बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और तीसरी बार में भी टारगेट आ रहा है 300 पॉइंट का, तो भी फायदेमंद है। तो 70 to 150 पॉइंट का रेंज एक आप यूज़ कर सकते हैं। हालात में अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो 150 पॉइंट यूज़ कीजिए, और नहीं तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भी कोशिश कीजिए। जितना कम से कम स्टॉप लॉस आप प्रैक्टिस कर सकें बहुत अच्छी बात होगी। गोल्ड मिनी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 300 रुपये का रिस्क है। इसकी रेंज 20 से 60 पॉइंट ले सकते हैं। कभी 20 पॉइंट भी ले लिया आपने कि 629 पे बाई कर रहे हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, अगर मूवमेंट आने वाला है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं तोड़ेगा और सीधा 100-150 पॉइंट का मूवमेंट गोल्ड में मिल जाएगा आपको। फिर क्रूड मिनी में 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, जनरली आप रेंज होगी इसकी 5 पॉइंट से लेके 12 पॉइंट तक, कि जब हालात आसान हैं हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है और आपको लग रहा है एवरेज या सपोर्ट लेवल 12 या 15 पॉइंट नीचे है, तो फिर वैसा स्टॉप लॉस लेंगे। रूट मिनिमम 5 पॉइंट का मतलब 50 रुपया, 12 पॉइंट का मतलब 120 रुपया होगा। उसी हिसाब से आप अपना वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी कैपेबिलिटी है 300 रुपये का रिस्क लेने की, तो मैं 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस 5 लॉट में ले लूँ, 300 रुपये का रिस्क हो जाएगा। मैं हेजिंग बना रहा हूँ तो क्रूड अप्रैल की बाइंग कर रहा हूँ, मई की सेलिंग कर रहा हूँ, और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 300 रुपये इस तरफ 300 रुपये उस तरफ, दोनों ही अगर हिट हो जाए किसी बुरे हालात में, तो टोटल रिस्क हमारा 600 आ रहा है। जब भी आप ट्रेड करें सबसे पहले टोटल कितना लॉस हो सकता है वो गिन लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, तो आपको किसी तरह का शॉक नहीं होगा, और शॉक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो लॉस, छोटा लॉस बड़े लॉस में बदलता है शॉक की वजह से, और शॉक से उठे रिएक्शन की वजह से। उसके बाद कॉपर मिनी में 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप प्रैक्टिस करें, उसकी रेंज होगी 50 पैसे से लेके 1 पॉइंट तक की। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग हेजिंग कर रहे हैं निकल के साथ में इसको, या फिर उसका कोई अहम सपोर्ट लेवल है वो 1 पॉइंट नीचे, तो फिर 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए चार्ट देख के, नहीं तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 50 पैसे का स्टॉप लॉस 3 बार लेना भी ठीक होगा। 50 पैसा कॉपर मिनी में मतलब 125 रुपया, क्योंकि कॉपर मिनी का 1 पॉइंट 250 रुपये के बराबर होता है, निकल मिनी का 1 पॉइंट 100 रुपये के बराबर होता है। जनरली स्टॉप लॉस 2 पॉइंट यूज करेंगे, लेकिन इसकी रेंज है 1.5 पॉइंट मीन्स 1.5 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट तक, तो 1.5 to 4 पॉइंट्स ये इसकी रेंज होगी। आप निकल में 1.5 जो पॉइंट है ये मिनिमम स्टॉप लॉस प्रैक्टिस करते रहेंगे, निकल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इतने छोटे से स्टॉप लॉस में कम से कम 6 से 7 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए। फिर एनजी नेचुरल गैस में आप लेंगे 50 पैसे का जनरल स्टॉप लॉस, इसकी रेंज होगी 40 पैसे से लेके 70-80 पैसे तक, तो एनजी का 1 पॉइंट मतलब 1250 रुपये। अगर मैं 50 पैसे ले रहा हूँ तो 600 रुपये का स्टॉप लॉस है, 40 पैसे ले रहा हूँ तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो एनजी में इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बाइंग डिफेंसिव करें। अगर आपको इधर दिख रहा है कि 165-40, 165-60 दिख रहा है, तो 40 या 30 का बाइंग लगा के रखें, और इधर 40 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि जितना छोटा स्टॉप लॉस लेंगे उतनी ही डिफेंसिव और समझदारी वाली, चतुराई वाली बाइंग की जरूरत पड़ेगी आपको। लीड मिनी जिंक मिनी में आपको नॉर्मल स्टॉप लॉस 30 पैसा मतलब 300 रुपया, लेकिन उसकी रेंज है 20 पैसे से लेकर 50 पैसे तक, तो जनरली 25 से 30 पैसे के स्टॉप लॉस में आपका काम हो सकता है। लेकिन जब आप हेजिंग कर रहे हैं तो 20 पैसे का स्टॉप लॉस लेने से आप उसी हेजिंग में
लगभग उसी रिस्क में दो बार जा सकते हैं। तो ये एक कारण बनता है लेड मिनी जिंक मिनी में। तो लेड मिनी जिंक मिनी एक पॉइंट 1000 रुपये का होता है, तो 30 पैसे का मतलब 300 रुपया। मेंथा ऑयल 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मेंथा ऑयल थोड़ा रिस्की कमोडिटी है, रिस्की स्क्रिप है, इसमें 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वैसे 360 रुपये का एक पॉइंट होता है, 2 पॉइंट का मतलब 700-750 रुपया। तो इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा है, तो वैसे ही टारगेट्स भी इसके होते हैं। रेंज रहेगी इसकी 1.5 पॉइंट से लेके 3 पॉइंट तक की। तो मेंथा ऑयल में आप दिन में एक या दो बार ट्रेड कर लें, उससे ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। ये कैलकुलेशन आपको हेजिंग के कॉम्बिनेशन बनाने में भी उतनी ही मदद करेगा। तो बाकी सब चीज़ों में तो प्लेनली आप बना लेते हैं कि चलो इस महीने का कॉपर अगले महीने का कॉपर, तो स्टॉप लॉस सेम है, वॉल्यूम सेम है। इस महीने का क्रूड अगले महीने का क्रूड, अगर आपको लगता है कि नहीं तेजी ज़्यादा है और मंदी मुझे कम लग रही है, तो आप 6 लॉट बाइंग में और 4 लॉट सेलिंग में कर सकते हैं। और अगर आप सिल्वर और गोल्ड का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक गोल्ड का लॉट कर रहे हैं वहाँ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वहीं पे आपको 3 सिल्वर माइक्रो करनी पड़ेगी। तो 2 गोल्ड मिनी आपने किए, तो 6 सिल्वर माइक्रो किए, दोनों तक 600-600 पॉइंट का रिस्क है। और जो टारगेट मिलेगा वो इससे 3 गुना 4 गुना भी मिल सकता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर ट्रेड करके आप बार बार जब ये पोजीशंस बना के इनके रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आदत पड़ जाएगी कि कितने पैसे में कितना नुकसान होने वाला है। अधिकतर जो नए नए ट्रेडर आते हैं वो सौदा लगाते हैं टर्मिनल पे जाके, लोग उनको बोलते हैं ये स्टॉप लॉस लगा लो, वो स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही नुकसान होता है, जैसे एनजी में किसी ने 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया, कहीं से कॉल आया, खरीद लिया, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, जैसे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5000 रुपये का नुकसान देखे हुए एकदम घबराए हुए हैं, तो उस वक्त ये सोचने में आता है कि उनको मालूम नहीं था कि 4 पॉइंट का मतलब 5000 रुपया होता है। ये चीज़ बहुत पहले पता होनी चाहिए आपको ट्रेड लगाते वक्त कि कितना पैसा मिलेगा, ये तो बाद का सवाल है, कितना लगेगा ये पहले से पूछ लो। अगर आपको लगता है कि वो आंकड़ा सुन के आपको घबराहट हो रही है, तो आपकी पोजीशन कम कर लीजिए, उसमें से कुछ पोजीशन हटा लीजिए। आपको लगता है कि मैं 500 रुपये तक का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो 500 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा के तो परिचय में हो जाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान की एक वक्त सहने की कैपेसिटी होती है। अब सहने की कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास पैसा कितना है, ये डिपेंड करती है इस बात पर कि आपको अभी तक कितना नुकसान देख के उसको सह लेने की आदत पड़ गई है। ये तो एक करोड़पति आदमी 1000 रुपये जाने के बाद खाना नहीं खा सके, ऐसी उसकी हालत हो सकती है कि उसको आदत नहीं है इस चीज़ की, फेमिलियर नहीं है वो लॉस बुकिंग से। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखना होगी, ये आपके एजुकेशन का हिस्सा है कि आप लालच और डर को, ग्रीड और फियर को कैसे हैंडल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, छोटी से छोटी बात शेयर करते रहें। वी आर ऑलवेज विद यू, वेलकम टू speedearning.com, कॉल अस ऑन आवर मोबाइल नंबर 9754381469। बाय।